तेरे रगों में खून नहीं, विष बहता है। तू एक विष कन्या है। इसने तेरी माँ पे अटैक करवाया और इसकी गलत फहमी की वजह से आज तेरी माँ की ये हालत है। तेरे विष कन्या होने का मकसद ही पूरे मित्तल परिवार को खत्म करना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आज से 3 दिन बाद मेरे बेटे मले की सगाई कनिका के साथ। मैं मले से प्यार कहा था ना मैंने, किसने मेरे बेटे पे काला जादू किया है। अब तू देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। अगर तू मेरी ना हो सकी तो मैं भी तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं होने वाला। हम दिल से एक तो हो ही चुके हैं, लेकिन अगर तुमने अकेले रहने का फैसला कर ही लिया है तो मैं भी यही करूंगा। पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उस दिन का हमेशा इंतजार का हमेशा इंतजार करूंगा जिस दिन तुम मेरे प्यार को अपनाओगे। मेरे प्यार को अपनाओगे तुम्हारी कसम। और मुझे पूरा यकीन है वो दिन जरूर आएगा। चलो कहाँ? घर। हमें घर पे ना पाकर सब सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें लेकर भाग गया हूँ। मैं अपने प्यार को बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बाइज्जत घर पहुंचाऊंगा। इनका मुंह काला करके इनका जुलूस पूरे मोहल्ले में निकाला जाए ताकि इन लोगों का असली चेहरा सबके सामने आए। खेलने की सजा तेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। आज तेरा कोई भी काला जादू नहीं चलने वाला।
बेटा, हिम्मत है तो मुझसे लड़ बराबरी में। तेरी माँ से भी बुरा हश्र करूंगी तेरा, तू अब देख। और इसी बेइज्जती के लायक है तू, तो इस मोहल्ले में रहने के लायक ही नहीं है। इसे धक्के दे के यहां से बाहर निकाल दो, यहां से बाहर निकाल दो, यहां से बाहर निकाल दो। भूतबाड़ी को खाली करो, भूतबाड़ी को खाली करो, भूतबाड़ी को खाली करो, भूतबाड़ी को खाली करो, भूतबाड़ी को खाली करो। नंदिता मित्तल, नंदिता मित्तल, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद, बर्बाद। लगता है इतनी बेइज्जती से भी तेरा दिल नहीं भरा, अब तो तेरी इज्जत उतारनी पड़ेगी। क्या चल रहा है?
इन्हें घसीटते हुए यहाँ से धक्के मार के बाहर फेंकाओ। किसी ने छूने की हिम्मत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए, इससे डर गए क्या? उठा फेंको इन लोगों को। ए, पीछे हटो, हटो पीछे, हटो पीछे, पीछे हटो। और तुम दूर हो मेरी माँ से, समझी? नहीं तो नहीं तो क्या, तेरा भी वही हाल करूंगी जो तेरे घर वालों का किया है। माँ, माँ, माले, बस माँ, माले, मेरे बच्चे तू आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू इन औरतों के जादू टोने से बचकर वापस आ गया। देख मले, मैंने तेरे साथ जबरदस्ती करने वालों को कैसा सबक सिखाया है। आज के बाद ये भूत बाड़ी की औरतें तुझे कभी परेशान नहीं करेंगी और ना ही इस मोहल्ले में दोबारा दिखेंगी। बस माँ, बहुत हो गया। ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं? औरत होकर एक औरत की इस तरह बेइज्जती कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आई? आई कांट बिलीव दिस मॉम, कि आप ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती हैं। मले, ये इन लोगों के लिए मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है जिन्होंने तेरी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची। आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। आपको तो पता भी नहीं, इस लड़की ने मेरी खुशी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं तो अप्पू से प्यार करता हूं, अप्पू से प्यार करता हूं। मेरे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उसे कोई नाटक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी सगाई का ड्रामा किया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, किसी और से रिश्ता जोड़ सकूं। और इनकी किस्मत तो देखो, सगाई हुई भी तो किससे? एक गुंडे से। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या ऐसे लोग चाची? इन लोगों ने जो मेरे लिए किया है वो आजकल अपने परिवार के लोग भी नहीं करते। आपको हमेशा इनसे चिढ़ रही, ये बात कल्पना काकी और अप्पू अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इन्होंने ये सारा नाटक किया ताकि मैं अपने परिवार के खिलाफ ना हो जाऊं। और आप इन लोगों पे इल्जाम लगा रही? इल्जाम तो आपको मुझ पर लगाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि मैं अप्पू के पीछे पड़ा हुआ था। मैं उसे हाँ करवाने के लिए फोर्स करता रहा। उसने या कल्पना काकी ने कभी भी मेरे प्यार या मेरी हरकतों को बढ़ावा नहीं दिया। आप इन भले लोगों के साथ ऐसा सलूक कर रही हैं? काकी, आप ठीक तो हैं?
इन लोगों ने जो भी आपके साथ किया है मैं जानता हूं कि वो माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, आपसे माफी मांगता हूं। प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। चलो मां, आप लोग भी जाइए यहां से, बहुत तमाशा हो गया, बहुत परेशान कर लिया इन लोगों को आपने, जाइए अपने अपने घर। अप्पू, मेरी बात सुनो, तुम सही थी, मैं आपको से प्यार करता, मैं आपको से प्यार करता, मैं आपको से प्यार करता। बहुत ज्यादा प्यार। तुमसे शादी करके ना ही मैं खुद खुश रह पाऊंगा और ना ही तुम्हें खुश रह पाऊंगा, और तुम दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा कल्पिट हूं, और इन सब में तुम सबसे ज्यादा हर्ट हुई हो। And I'm sorry for everything. हो सके तो मुझे माफ कर दे। मले, ये क्या बकवास कर रहा है तू? इस तरह हमारी इज्जत नीलाम करने का तुझे कोई हक नहीं है। कनिका से सगाई करने का फैसला तेरा था, और अब तू उसे निभाएगा इससे शादी करके। माँ प्लीज, मैं
मैंने आज तक आपकी किसी भी बात को नहीं काटा है, पर मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं उस दायरे को आज तोड़ूं।